ओके सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को यहीं पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को ना मैं बैकग्राउंड दे दूंगा, ठीक है। तो आप सभी को पहले इसको डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो इसको डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को यहाँ पे सिंपली ऐड कर लेना है। एंड आप चाहो तो किसी भी टाइप से आप फोटो क्लिक करवा सकते हो, ठीक है। तो आप उसमें अपने मॉडल को कुछ भी, मतलब ये कैसे भी टाइप का मॉडल हो आपका, उसको यहाँ पे सिंपली कुछ इस टाइप से आप सभी को ऐसे ऐड कर लेना है। एंड ये फोटो है ज़्यादा अच्छी आपकी जब लगेगी, अगर आपने कोई ब्लैक टी शर्ट पहनी हो तो काफ़ी अच्छी लगेगी ये फोटो। बाकी आप कोई और कपड़े में क्लिक करा सकते हो। बाकी उसके बाद आप सभी को फिर जाना दोबारा ऐड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको मैं विगनेट का पीएनजी दूंगा। एंड ये गाइस ये विगनेट का जो पीएनजी बहुत ही, मतलब यार कमाल का पीएनजी है, और इससे ना बहुत ही अच्छी लुक आती है फोटो में, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है फोटो में अभी। तो गाइस इतना करने के बाद आप सबको फिर क्या करना, आप सभी को जाना दोबारा से एड फोटो में। एंड आप सभी को मैं एक पीएनजी दूंगा पार्टिकल्स का, तो इस पीएनजी को ना आप सभी को यहाँ पर सिंपली ऐड करना है। एंड उसके बाद इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करके एंड इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद आप सभी को जाना है इरेजर टूल में। एंड जो फेस पर जितना भी एरिया आ रहा है ना, आपको ओनली कुछ इस टाइप से इरेज कर देना है। एंड जो ऊपर जो UFO सा है उसको भी यहाँ से इरेज कर देना है, ठीक है, उसके पास से भी इरेज कर देना है। एंड उसके बाद देखिएगा इस कुछ फोटो आपकी इस टाइप की हो जाएगी। एंड उसके बाद अब आप सभी को करना है क्या, आप सभी को यहाँ से जाना है ब्यूटी वाले ऑप्शन में, ठीक है, जो आप सभी को साइड में दिख रहा होगा इसमें जाना है। एंड उसके बाद आप सभी को स्मूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से फिर अभी थोड़ा लोडिंग ले रहा है, इतना कर देने के बाद आप सभी को थोड़ा इसका जो स्मूथनेस उसको कम करना है। एंड ब्रश पे क्लिक कर देना है। एंड ब्रश पे क्लिक करने के बाद आप सभी को फोटो को जूम आउट करना है। एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को फेस के ऊपर पेंट करना है, ठीक है, यानी कि मतलब आपको जहाँ जहाँ पे स्मूथनेस चाहिए अपने फेस पे वहाँ वहाँ पे आपको पेंट करना है। एंड गाइस अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हो तो यार उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जरूर चेकआउट करना। एंड उसके बाद आप सभी को जाना फिर टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को जो फोटो की ब्राइटनेस उसको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करके ब्रश को सिलेक्ट करके एंड इसके बाद साइज को थोड़ा छोटा करके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को अपनी ड्रेस के ऊपर डोजन बन करना है, जैसे कि आज आप सभी को मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कर लेने के बाद आप सभी को फिर आगे क्या करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। पहले तो इसका अमाउंट आप सभी को थोड़ा बढ़ा के रख लेना है। एंड थोड़ा सा एरिया जो मेरा बाहर की तरफ भी आ गया तो मैं इसके यहाँ पे सिंपली इरेज कर लूँगा, ठीक है। तो अगर आप कहीं कोई आ जाए तो इरेज कर लेना। एंड इसका अमाउंट जो है आपको थोड़ा बढ़ा के रखना है अराउंड 24 तक। एंड उसके बाद आप सभी को दोबारा से जाना टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को यहाँ से जाना ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। एंड इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करके ब्रश को सिलेक्ट करके साइज का थोड़ा सा छोटा करके एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करके एंड उसके ऊपर आपको फेस के ऊपर डाउन करना कुछ स्टेप्स, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इतना कर लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से कर देना डन। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इसका अमाउंट जो है 6 तक रखना है। एंड यहाँ पे फोटो आपको फिर यहाँ पे करना है आप सभी को फोटो को सेव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है, इसमें कलर क्रिएशन करनी है तो हम फोटो को सेव कर लेंगे। एंड जो कलर क्रिएशन करेंगे वो हम करेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस चलिए यहाँ से हम चलते बैक एंड यहाँ से हम अपने लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अगर अभी तक आपसे बिना यार वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, और वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आप सबको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है तो उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे लाइट रूम ऐप में। एंड उसके बाद गाइस आप सबको साइड में लाइट वाला ऑप्शन दिखा है, इसके क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको उससे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, एंड एक्सपोजर भी बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जो हाईलाइट है इसको आप सभी को थोड़ा माइनस कर देना है। एंड जो शेडो है आप सभी को उसको इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद वाइट है इसको थोड़ा माइनस करके एंड ब्लैक को थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आप सबको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आप सभी को मिक्स में जाना है, एंड ये ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके फिर सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना है। एंड उसके बाद येलो कलर में जाना है, इसके ह्यू को माइनस कर देना है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जो आपका बैकग्राउंड है वो थोड़ा मूडी टाइप में आ जाए। एंड ब्लू कलर जो इसका आपको थोड़ा ह्यू माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड उसको जाना पर्पल कलर में, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको नीचे वाला टूल में जाने के बाद आप सबको फोटो की जो क्लियरिटी है इसको इंक्रीज कर देना है। एंड जो फोटो में विगनेट आप सभी को वो डालना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल करोगे तो ग्रीन अमाउंट दिखेगा, आप सभी को थोड़ा इसको इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद नीचे वाले टूल में जाके फोटो की शार्पनेस को इंक्रीज कर देना है। एंड जो नॉइज़ रिडक्शन है इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जो कलर नोट रखना है आप सभी को उसको बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो भी हमारी फोटो का रिजल्ट आया है वो आप सभी के सामने दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। एंड यार वीडियो सच में पसंद आई हो तो प्लीज़ यार एक शेयर जरूर करना, ठीक है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड यार अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड और हाँ गाइस मैंने आप सभी के लिए इस एंड स्क्रीन में ये दो वीडियो लगाई हैं,
आपको इन दोनों में से जो सी भी बेस्ट लग रही है आप कोई सी भी वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो, दोनों ही वीडियो बेस्ट हैं। एंड बाकी आप मेरे चैनल की कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल के लोगों पर क्लिक करके आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग वीडियो मैंने बना रखी है, तो वहाँ से भी कोई वीडियो देख सकते हो। तो बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।